10-20 लोगों को जमा करके प्रार्थना करना धर्मांतरण के कैटेगरी में आता, धर्मांतरण हमारे यहाँ। तुम लोग तो लोगों को बिस्किट खिलाकर उनका धर्म परिवर्तन करते हो, और लोगों को इतना धर्म परिवर्तन कर चुके हो कि आने वाले 50 साल के अंदर देश के अंदर कोई हिंदू बचेगा ही नहीं, क्योंकि तुम सब लोगों को धर्म परिवर्तन कर चुके होंगे, सब लोगों को कन्वर्ट कर चुके होंगे। और साथ ही इन लोगों का ये भी कहना है कि हमारे देश को आप लोगों ने छोटा कर दिया, धर्मांतरण कर करके हमारा देश जो भारत है वो बहुत छोटा हो गया। ये शब्द मेरे नहीं है। अभी मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूं जो कि यूपी से निकलकर मेरे पास आया है। कुछ प्रभु यीशु मसीह का विरोध करने वाले लोग, जिन्हें यह लगता है कि लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं जबरन, उन लोगों ने ये बातें कही है। एक घर के अंदर प्रार्थना सभा चल रही थी और उसी सभा के अंदर ये लोग घुस जाते हैं, और फिर एक मसीह बहन ने भी इन लोगों को क्लियरली जवाब दिया है कि हम लोग यहाँ पे धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं, और तुम लोगों को ये गलत फहमी हुई है कि हम लोग यहाँ पे लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या बोला, आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर किया करिए, क्योंकि बहुत मेहनत से हम लोग आप लोगों के साथ ऐसा कंटेंट शेयर करते हैं बहुत रिस्क उठाकर। सो प्लीज़ चाहते हैं कि आप लोग मसीह में बने रहें और प्रभु यीशु मसीह में आप उद्धार पा सकें, इसलिए प्लीज़ आप लोग इतना ही करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट कीजिए। और इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, बट प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों तक पहुँच सकता है आपकी एक छोटी सी काम के द्वारा। सो आइए पहले हम इस वीडियो को देखते हैं, पूरा देखिएगा, फिर आगे बात करते हैं। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, आपसे इच्छा, आपका विश्वास ऊपर है ना। पहली बात, वो घर में 10-20 लोगों को जमा करके प्रार्थना करना धर्मांतरण के कैटेगरी में आता, धर्मांतरण हमारे यहाँ। आप चर्च में जाइए, कोई नहीं होगी चर्च में जाइए आप, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। पर जैसे गांव में घर में ये सब नहीं कर सकते, क्या बात है, ये आस्था की बात नहीं है। आप जैसे कमीने कुत्ते लोगों के वजह से वीडियो बना, वीडियो बना, गाली गलौज नहीं होना यहाँ। मेरी बात नहीं, ये ना आज हमारा कल के इतना सा हो गया है सिर्फ धर्मांतरण के वजह से, यही लालच, यही प्रलोभन में आप जाते हैं। आज आदिवासी क्षेत्र में चले गए बिस्किट देकर, तो किसी का कुछ कर्ज उतार कर आप धर्मांतरण करा दिए। आज हमारे हिंदू समाज से कर करके आज कितने परसेंट हिंदू समाज कितने परसेंट बचे, और भविष्य बताइए यहाँ पर हिंदू नाम लेवल रहेगा। आप लोग जिस हिसाब से धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, आज हिंदू आज से 50-100 साल बाद में आज हिंदू नाम लेने वाला रहेगा कोई, आप बताइए खुद। आज मेरी बात उनको जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। आज सोचिए, आज इतनी, आज हम तो किसी देश पर नहीं गए अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, नहीं जाते थे, विदेशों से आए, आज हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति को विखंडन कर दिए। आप नदी हो, आप नदी रहने के बाद आज के समय माफ ईसाई बन गया हो, एक धर्म बताइए, आप बताइए दंगे की चोट में बोलो ना, दंगे की चोट में हम ईसाई हूँ। जब आप परिवर्तन इतनी हिम्मत रखते हो तो बोलो, धर्म को आप चेंज किए हो तो अपने आप दंगे की चोट बोलो, हम ईसाई हूँ, हम एक साथ नहीं बोलेंगे आपको। मैं धर्म को छोड़ दिया, हिंदू धर्म को छोड़ दिया, बोलो आप एक बार बोलो ना, हिम्मत रखते हो तो लोगों का आप दुख दूर कर रहे हो, तो छल भाई आस्था में आप विघ्न डाल रहे हैं, ये तो गलत है ना। किसी का आस्था में विघ्न डाल रहे हैं, हम नहीं किए, आप ही हो हमारा, हमको यहाँ आने की नौबत नहीं पड़ती। एक सपोर्ट नहीं, आप आप हमारे आस्था पर चोट किए हो, आप हमारी इसमें संस्कृति सभ्यता पर खिलवाड़ कर रहे हो करके, हमारे तो हमको क्या मतलब है। आप अपने घर में चले, जैसे मेरे घर में आप चर्च बना रहे हो, ये तो घर है ना, चर्च ये तो घर है, आप घर में कहाँ लिखा है, यहाँ पे चर्च, यहाँ पे कहाँ लिखा है चर्च, ये घर है, ये घर है, यहाँ पर लिखा है बोर्ड,
बताइए आपको क्या दिक्कत है, जरूरी है ना भाई। कहाँ से आप लोग? बाहर से। आप लोग यहीं से? और बाहर से कौन है? नहीं तो ये बताओ संतान आ जाएगा? मंदिरों जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, घर नहीं होता भाई प्रार्थना, चर्च होता है। कानून के बारे में बताओ, कानून के बारे में हम आप ज्यादा जानते हैं, कानून के बारे में बताओ। प्रभु है भैया, प्रभु है, विश्वास है, देखा नहीं जाता, उसे अनुभव किया जाता है और उसे ना महसूस किया जाता है, ठीक है ना? हाथ नहीं है, नहीं हिंदू में भी है, हिंदू में भी है, बिलीव है, हम बिलीव पर नहीं जा रहे हैं। आपको जो करना है चर्च में करो, आप दूसरे को बदलाने काम क्यों कर रहे हैं? सुनो सुनो, बदलाने वाली बात भारत में 1% ईसाई नहीं था, आज इतना % ईसाई हो चुका है, आज हजारों लोग कन्वर्ट होते जा रहे हैं, आज हमारे देश की कितनी नुकसान हो रहा है आप लोग नहीं समझ पा रहे। नुकसान वाली बात क्या है इसमें? दादा मेरी बात, भारत के कानून अधिकार है, कानून की बात बात कर रहे हैं, कानून अधिकार है, कोई भी व्यक्ति से आपके दादा परदादा ने गर्दन करा कर अपने धर्म को बचा कर रखे और आप एक उच्चे किस्म के लालच में मतलब नहीं है। आप बाहर से जो पास्टर है यहाँ पर मैं सेवा करता हूँ, आप सेवा करते हैं, मुझे भी बीमार। तो देखा आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर कि ये जो भाई लोग हैं, जो बजरंग दल के लोग हैं, अभी मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमें किसी से नफरत नहीं है, हम सभी से प्यार करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, या फिर अपना जो ईसाई जो लोग कहते हैं। बट मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि बाइबल में आप लोगों को कहीं भी ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जहाँ पे लिखा हो कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद में हम लोग ईसाई बन जाते हैं और हमारा धर्म परिवर्तन हो जाता है। पूरी बाइबल अगर आप लोग पढ़कर देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगी बातें कि यीशु मसीह संसार के अंदर क्यों आया है, उसके आने का क्या मकसद है। प्रभु यीशु मसीह आया, उसने परमेश्वर के कामों को किया, उसने संसार के उद्धार के लिए, संसार की भलाई के लिए कामों को किया, लेकिन उसी संसार ने उसे बुरा जाना और क्रूस पर चढ़ाया। लोगों को ये लगता है कि हमने उसको दंड दिया, लेकिन वो परमेश्वर का काम था और प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के लिए अपने आप को क्रूस के ऊपर दिया। और दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि ये जो भाई है, इसने ये कहा कि तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम घर के अंदर ये प्रचार करो, तुम लोगों को इकट्ठा करके उनका जबरन उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हो, ये तो कानून के विरुद्ध है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमें संविधान इस बात की इजाज़त देता है, अधिकार देता है कि हम खुलेआम प्रचार कर सकते हैं, हम कहीं भी जाकर अपने धर्म का प्रचार करते हैं। लेकिन बात करता हूँ कि यहाँ पर धर्म की तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि हम प्रभु में आते हैं अपना विश्वास लेकर, ना कि अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए। मनुष्य का एक ही धर्म है, वो अपने भाई से प्यार करना। मुझे ये लगता है कि मनुष्य का सिर्फ एक ही धर्म है, अगर मैं अपने भाई से प्यार नहीं करता हूँ, भले वो बुरा है, भले वो अच्छा है, अगर मैं उससे प्यार नहीं करता तो मेरा धर्म झूठा है। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह प्यार करना सिखाता है, उसने दया करना सिखाई है, उसने हमारे अपराधों को क्षमा किया और उसने क्षमा करना सिखाया है। तो ये धर्म नहीं है, ये धार्मिकता है परमेश्वर की। तो प्रभु यीशु मसीह में हम आकर हमारा धर्म नहीं बदलता, लेकिन हम अपने जीवन को बदलता हुआ देखते हैं और वो लोग भी देख पाते हैं अगर वो अपनी आत्मिक बुद्धि से देखें, क्योंकि परमेश्वर के काम लोग आंखों से देखना चाहते हैं। जैसा कि बाइबल में हमें देखने को मिलता है कि थोमा जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलता था, प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत अद्भुत कामों को अपनी आंखों के द्वारा देखता था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, 3 दिन बाद में जब वो जी उठे, चेलों के पास में आए, तो उन्हीं चेलों में से यहाँ पर थोमा नहीं था, और जब थोमा आया तो चेलों ने कहा कि प्रभु आया था, प्रभु जी उठाए, तो उस थोमा ने क्या कहा,
कि मैं जब तक यीशु मसीह को नहीं देखूंगा, जब तक उसके उंगली में जो छेद है उनमें उंगली नहीं डालूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो विश्वास की बात बहुत अलग हो गई। लोग देखकर विश्वास करते हैं। कोई अगर आप अपनी आत्मिक बुद्धि को और समझ को बहुत अच्छे तरीके से लगाओ तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता है। वो किसी का धर्म नहीं बदलता है, वो जीवन बदलता है, बहुत तेरों का जीवन बदलता है। क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि यीशु मसीह का जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू थे, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। और प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया है। होप है कि आप लोग समझ पाए होंगे एंड जरूर ऐसे भाई लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें ताकि ये लोग सच्चाई को जान सके। क्योंकि बाइबल का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, जो साउल था उसको बदल कर परमेश्वर ने पौलुस के रूप में तब्दील कर दिया। और वही पौलुस प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को इतना प्रचार कर रहा है, इतना प्रचार कर रहा है, यहाँ तक कि उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए कितना दुख उठाया, प्राण की भी हानि प्रभु यीशु मसीह के लिए उसने उठाई है। सो प्रभु बदल सकता है ऐसे लोगों को। जरूर प्रार्थना करें, हम ऐसे लोगों से प्यार करें ताकि परमेश्वर के प्यार को ये लोग समझ पाए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। एंड हमें आर्टिकल 25 संविधान के अंदर ये इजाज़त देता है कि हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं और अपने जो भी आप विश्वास करते हो उसका प्रचार कर सकते हो, चाहे वो घर के अंदर हो या फिर अपने चर्च के अंदर हो, तो हम कर सकते हैं। सो आशा है कि आप लोग जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको लगता है। गॉड ब्लेस यू।